Welcome back, students. This is my third lecture on Middle English Literature. Now, in this era, we have had Chaucer, William Langland, and Gower. So, let's see the detailed study of these poets. Middle period begins, that is, from 1350 to 1400. जो ये एरा चला जो ये मिडिल पीरियड शुरू हुआ वो 1350 से 1400 तक चला सो द फर्स्ट पोएट वॉज जॉफरे चौसर एंड विलियम लैंगलैंड एंड देन जॉन गावर सो जॉफरे चौसर के बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे पहले हम विलियम लैंगलैंड और जॉन गावर को देखेंगे क्लास प्लीज फॉलो दीज वीडियोज थरली क्योंकि इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके डिफरेंट एग्जाम्स में यूज आएंगे सबसे पहले हम बात करते हैं विलियम लैंगलैंड की उन्होंने लिखा था पायर्स प्लोमैन जॉन गॉवर स्पेक्युलम मेडिटेंटिस और वॉक्स क्लेमेंटिस और सबसे लास्ट पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्क कन्फेसियो एमेंटिस ठीक है अब हम इनके में थोड़ा सा डिटेल्ड और पढ़ेंगे तो सबसे पहले लेट्स सी पायर्स Man by William Langland. Now this जो ये work था Langland का ये सबसे greatest work माना गया आपकी middle age में इसको उन्होंने alternative verse में लिखा था alternative verse क्या होता है please नीचे note देख लीजिएगा वो जब कोई भी sound repeat होती है same sound किसी line में या sentence में उसको हम alternative verse कहते हैं जैसे for example Peter, Pipper, Pigged. Peter, Pipper, Pigged. तो जो प की जो साउंड है वो क्या हो रही है रिपीट हो रही है इसको हम अल्टरनेटिव वर्ड्स कहते हैं प्लीज रिमेम्बर दिस क्योंकि ये क्वेश्चंस भी नेट पे पूछ लिए जाते हैं अच्छा कमिंग बैक टू द पोयम ये जो पोयम है पायर्स प्लोमैन ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइडेड है और इसमें जो पोएट है जिसका नाम विल है जो एक ड्रीम देख रहा है वो अलग अलग टाइम पे सीरीज ऑफ ड्रीम देखता है और इस पोयम का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट उसका प्रोलोग है ठीक है अच्छा अब पोएट अपनी ड्रीम में इस क्वेस्ट में है कि वो जो ट्रू लाइफ होती है क्रिश्चियंस की या इन सर्च ऑफ ट्रूथ जिसे हम कहते हैं वो कैसा होता है अच्छा इसमें क्या होता है जो जब पोएट जो है He feels asleep, वो सो जाता है और उसको एक ड्रीम आती है तो जो उसका विजन होता है कि वो टार के ऊपर खड़ा हुआ है जो कि कहाँ पे सेटअप है हिल में और एक तरफ उसके ऑपोजिट डीप वैली है और वहाँ पे उसको बीच में जो क्राउडेड पीपल दिख रहे हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं द वर्ड ऑफ मैनकाइंड अब वहाँ पे जो क्राउडेड पीपल हैं वो सब उनको दिख रहे हैं वो सब भी जब सर्च ऑफ ट्रूथ में जाते हैं तब इस पोयम में अपीयर होता है पायर्स पायर्स एक फार्मर है उसका वर्क है ही इज अ फार्मर ठीक है तो वो पीपल उससे हेल्प के लिए कहते हैं कि हमारी हेल्प करो इन सर्च ऑफ ट्रूथ तो ही सेज कि ठीक है ही विल हेल्प देम पर उसको रिटर्न में वो चाहता था कि उसका जो हाफ एकर लैंड है उसको उसको प्लग करने में हेल्प करे ठीक है तो ये जो इसका फर्स्ट सीक्वल है वो इस पे बेस्ड है तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है पायर कब पोएम में अपीयर हुआ उसका प्रोफेशन क्या था ज्यादा डिटेल में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है और पायर ये भी कहता है जैसे एक मॉरल टाइप का अगर आप देखो तो जो अच्छा करता है जो अच्छा करेगा उसको सैल्वेशन मिलेगा मतलब हंगर भूख से जो है छुटकारा मिलेगा उसको खाना वो दे देगा और जो अच्छा नहीं करेगा वो जो है उसको कुछ भी नहीं मिलेगा फिर इसके और सीक्वल आए थे वो तीन विजन्स के हैं वो सीक्वल है फर्स्ट वन का तो जो तीन विजन्स वो देखता है वो डू वेल दैट इज डू वेल डू बेट डू बेट एंड डू बेस्ट डू बेस्ट ये सीक्वल पायर्स प्लोमैन में है तो ये पोएम थी बाय विलियम लैंगलैंड प्लीज डोंट फॉरगेट इट इसमें दो तीन चीजें याद रखने वाली है पायर्स प्लोमैन ही इज अ फार्मर
ठीक है। और ये जो पोएम है वो अल्टरनेटिव वर्ड्स में है, अल्टरनेटिव वर्ड्स क्या होता है मैंने आपको बता दिया है, राइट। सो मूविंग अहेड विथ स्पेक्युलम मेडेंटिस बाय जॉन गोवर, ठीक है। अच्छा, जॉन ने ये जो वर्क है ये इनका फ्रेंच वर्क है और एंड इट कंसिस्ट ऑफ, इन्होंने जो है ये जो वर्क है फ्रेंच वर्क, इट कंसिस्ट ऑफ 50 बैलेड्स और लव सॉन्ग्स, ठीक है। और इसमें एक इलस्ट्रेशन दिखाया गया है रिलीजन का और इमोर्टैलिटी ऑफ एज का, दैट इज इमोर्टैलिटी समझते हैं, एबिलिटी टू लिव फॉर एवर। मतलब हमें इसके बहुत डिटेल स्टडी में नहीं जाना है, सो मैंने आपको इसकी दो तीन लाइनें बता दी। नाउ वी हैव हिज लैटिन वर्क स्पेक्युलर मेडेंटिस, इनका फ्रेंच वर्क था, डोंट फॉरगेट। वॉक्स क्लेमेंटिस, इनका लैटिन वर्क है, किसका, जॉन गोवर का, ठीक है। अच्छा, ये एक तरीके की ट्रेजेडी है। ऐसा कहा गया था कि जब रिबेलियंस ब्रोक आउट हुए थे तो जो पोएट दिखाए गए हैं वो काफ़ी डरे हुए हैं और यही वॉइस उन्होंने इस पोएम में अपनी दिखाई है, ठीक है। और अगर हम देखें सोसाइटी में बहुत डिसऑनेस्टी थी और लोग जो है बहुत डरे हुए थे, सो यही सब दिखाया गया है। और बहुत करप्टेड पीपल थे और आखिर में अगर हम एंड ऑफ पोएम में देखें तो देर इज एन अपील टू द माइटी गॉड, या कह लीजिए कि पीपल एक वॉइस ऑफ गॉड है, उनसे अपील कर रहे हैं कि उनके वेज जो है मेंड कर दिए जाएं, क्योंकि पीपल दे वर एक्चुअली वेरी फ्राइटेंड। सो दिस इज इसकी भी डिटेल्ड स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, बेसिकली हमें इसका पोएट्री का नाम और किसने इसको लिखा है इसे याद रखना है। बाकी मैंने दो तीन पॉइंट्स इसलिए लिख दिए हैं कि अगर कोई क्वेश्चन आ भी जाए तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम ब्लैंक हो, राइट। मूविंग अ Now we have Confessio Mantis by John Gower. Now this is important. ये work बहुत important है. ये इनका English work है. इसमें 14,000 octosyllabic lines हैं. और इस poem का जो subject है, it is love based, right? Now अगर हम इस poem में देखें तो जो Richard, King Richard थे, तो वो complain कर रहे थे जॉन गोवर से कि बाकी सारी लैंग्वेजेस में पोएट्री लिखी जाती है, सो इसी वजह से उन्होंने ये कन्फेसियो मैंटिस लिखी थी कि ये एक इंग्लिश वर्क हो जाए। सो इसका जो बेसिक सब्जेक्ट है वो मैंने आपको बता दिया है कि वो जो है लव है। एक अच्छा नाउ अब ये है किस बारे में, ये कन्फेशन है एज्ड लवर का जो वीनस गॉडेस ऑफ लव के प्रीस्ट से अपना कन्फेशन करता है। पोएट क्या होता है, वो वीनस के पास जाता है, गॉडेस ऑफ लव के पास, और उनसे कहता है, तो वो कहती है ठीक है आप मेरे प्रीस्ट से कन्फेशन करिए। तो जो उनके प्रीस्ट होते हैं वो कहते हैं कि अपने कन्फेशन से पहले मैं तुमको कुछ स्टोरीज बता दूँ। तो वो डेडली सिंस की स्टोरी बताते हैं, जैसे कि कोई भी वो ऐसा कन्फेशन ना करे जिसके लिए वो बाद में गिल्टी हो। तो जब पोएट अपना कन्फेशन बता देते हैं तो वीनस उनके ऊपर हंसती हैं और उनको डिसमिस कर देती हैं और कहती हैं दैट इज टू ओल्ड फॉर लव। सो इट इज अ सिंपल लव बेस्ड पोएम, कन्फेसियो मैंटिस, प्लीज रिमेंबर इट। नाउ आगे अगर हम देखें तो हमारी यह प्रेजेंटेशन यहाँ पे ख़त्म होती है। जॉफ्रे चौसर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो थोड़ी सी डिटेल स्टडी है और उनकी डिटेल स्टडी हम लोग को अच्छे से पढ़नी होगी। चौसर काफ़ी अच्छे पोएट रहे हैं और हमारे नेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हैं। सो थैंक यू फॉर दिस क्लास एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।